तो भैया नमस्कार और स्वागत है आपका टेकटॉक 21 के एक और नए एपिसोड में। कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे वाईफाई में हो गई थी प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का भी एक हल निकाल लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकटॉक 21 के एक और नए एपिसोड में। वीडियो कर दो जल्दी से लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है वाईफाई की पोजीशन को लेकर। जब भी हमने अपने घर पर नया वाईफाई लगवाना होता है, हम मैकेनिक को बोलते हैं आपको जहाँ ठीक लगता है लगा दो। वो भी पूछते हैं आपने कहाँ लगाना है, और हम एक बेकार सा कोना उसको दे देते हैं। भैया तुम सांस लेना चाहते हो तो वाईफाई को भी थोड़ी सी सांस दो। हमेशा ऐसी जगह पे लगाओ जो आपके घर के सेंटर में हो। आपके घर के प्लान के अकॉर्डिंगली वो घर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। आपने कई ऑफिस में देखा होगा वाईफाई को एकदम छत के साथ अटैच कर दिया जाता है। आप बोलते हो भैया ये क्या नया झोल है। ये भैया झोल नहीं, ये वाईफाई की स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है। आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ कि वाईफाई जो होता है अपनी रेस सर्कुलर फॉर्म में फेंकता है। मतलब समझ लो कोई भी एक गोल सी चीज़ है, उसका एक सेंटर है, वो है आपका वाईफाई। तो वाईफाई को हमेशा उस सेंटर में रखो ताकि वो हर सर्कल की एंड तक हमेशा सेम रहे। यानी कि उसको कमरे के कोने में मत घुसाओ। कोने से जो है एक तो आपकी कॉन्क्रीट की दीवार है वैसे ही सिग्नल रिड्यूस हो जाएगा, या मेटल शीट है। तो आप बोलोगे मेटल से तो भैया कैसे रिड्यूस होता है, भैया होता है, समझ लो मेरी बात को। तो दूसरी प्रॉब्लम, आप हमेशा वाईफाई को जो है वो ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समझ लो हवा तो है ही नहीं, हवा ख़त्म। वहाँ पे उसको प्लीज़ ऐसी जगह पे रखो कि उसकी सांस आ जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कई वाईफाई की जो अडाप्टर होते हैं, समझ लो वाईफाई एक्सटेंशन या फिर वाईफाई रिपीटर, आप हमेशा खरीदते हैं इथरनेट वाले। खरीदो भाई, मैंने कौन सा मना किया, इथरनेट खरीदो, वायरलेस खरीदो, जो मर्जी खरीदो, लेकिन उसको भी जगह देख के लगाओ। आप हमेशा घर में एक क्या करते हो, वाईफाई एक लगा दिया इथरनेट रिपीटर बगल के कमरे में, तो भैया वाईफाई आएगा। फिर बोलते हो एक महीने बाद यार वाईफाई फिर ख़राब हो गया। ख़राब नहीं होता, ये आपकी प्लानिंग ढंग से नहीं होती उसको सेट करने की। मैं बताता हूँ, आप हमेशा एक नया वाईफाई लगवाते हैं, समझ लो आपने जियो का लगवाया या एयरटेल का लगवाया, 3,500 आपका मज़े से लग जाता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको स्पीड ना मिले महीने बाद तो आपको गुस्सा क्यों नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा भाई, लेकिन गुस्सा आपको खुद पे भी आना चाहिए क्योंकि ये आप ही की गलती है। बताता हूँ क्यों। एक वाईफाई आपको हमेशा अपने घर के सेंटर में लगवाना चाहिए, और घर के सेंटर के पास आपको वायरलेस 4 रिपीटर घर के 4 अलग अलग कोने में लगा देने चाहिए, समझ गए। मतलब एक सेंटर में बड़ा वाईफाई राउटर और रिपीटर 4 अलग अलग कोनों में। 4 अलग अलग कोनों से रिपीटर जो है वो रेस फेंकेगा, राउटर जो है अपनी रेस देगा, तो आप हमेशा वाईफाई की स्पीड में रहोगे, वो भी फुल स्पीड। तो अगली प्रॉब्लम, आपके घर में कोई आता है, आप हमेशा उसको बोलते हैं भैया हमारे घर पर वाईफाई लगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे वो आपका दोस्त हो। तो अपने वाईफाई में जो है ना गेस्ट मोड हमेशा अनेबल करके रखो। गेस्ट मोड में जो है वो आप अपने वाईफाई की स्पीड घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, उसको लिमिट भी कर सकते हो, ताकि आपका जो नया मेहमान है या दोस्त है वो आपका वाईफाई की स्पीड को एकदम चूस ना ले, समझ गए। तो अगली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके वाईफाई का अपडेट। प्लीज़ आपके वाईफाई में या किसी भी डिवाइस में अगर अपडेट आया है या आपका डिवाइस अपडेट मांग रहा है तो प्लीज़ उसको अपडेट कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। तो अगला जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है चैनल का। तो चैनल का मतलब ये कि समझ लीजिए आपका राउटर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, और वो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है भैया वो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ हो सकती हैं। तो भैया समझ लो आप चल रहे हो एक 4-लेन हाईवे पे, तो इन 4 लेन में से आपको गाड़ी कौन सी लेन में रखनी है ताकि आपकी गाड़ी दौड़े एकदम भागम भाग और आपका वाईफाई भी, ये आपको देखना है वहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से। तो आपको एक प्ले स्टोर से ऐप होती है एक वाईफाई एनालाइज़र, उसको करना है इंस्टॉल। तो आपको करना है इसको इंस्टॉल जल्दी से, और देखना है कि आपके जो वाईफाई है उसके अराउंड कितने चैनल हैं। समझ लीजिए आप बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पे लगे हैं 100 वाईफाई राउटर, तो आपको अपना चैनल जो है वो कहाँ सेट करना है, मतलब आपको कौन सी लेन में चलना है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा ताकि आपका वाईफाई एकदम हवाई जहाज़ की स्पीड से चले। और यहाँ पे जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के अंदर जो 3 चैनल्स हैं वो है 1, 6 और 11, वो है नॉन ओवरलैपिंग चैनल। तो यहाँ पे जो है वो तीनों आपस में ओवरलैप नहीं करती है, तो यहाँ पे आपको वाईफाई की जो स्पीड है ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और साथ ही में आप इनको जितना दूर रखेंगे उतनी ही आपको परफॉर्मेंस जो है वो फास्ट देखने को मिलेगी। तो भैया सिग्नल चाहिए ना,
तो आपको एक एंटीना के बारे में भी ध्यान रखना है। एंटीना, जी हाँ, कई वाईफाई राउटर्स में जो है वो एंटीना डिस्पैचेबल होता है, मतलब उसको आप अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है अलग करने का। अगर आप इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है वो एक हायर गेन वाला एंटीना लेना है, उसको अपने राउटर में फिक्स करना है और देखो आपका वाईफाई एकदम टॉप स्पीड पर चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक सिक्योरिटी रिलेटेड भी बात बता दूँ कि अपनी वाईफाई की सिक्योरिटी हमेशा WPA2 पे भी रख सकते हैं आप, और हमेशा रखनी भी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर्ड मानी जाती है। अभी तक तो WPA2 ही चल रहा है, लेकिन जल्द ही WPA3 भी आने वाला है। तो यहाँ पे एक बात करते हैं डुअल बैंड वाले राउटर की। समझ लो आपके घर पे एक डुअल बैंड वाला राउटर है, उसमें एक बैंड होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और एक बैंड होगा 5 गीगाहर्ट्ज़ का। यहाँ पे होता क्या है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड होता है, वहीं अगर हम बात करें 5 गीगाहर्ट्ज़ की तो वो इतना कंजस्टेड नहीं होता 2.4 के मुकाबले। और आपके घर पे जो है वो कॉर्डलेस फ़ोन, वाईफाई, मोबाइल, एंड्रॉयड टीवी सब जो है वो इसी बैंड पर चलते हैं, तो इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो है वो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डबल बैंड वाला राउटर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये दूसरे बैंड से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब दूसरे राउटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड आपको देगा। इंटरफेरेंस कम है, मतलब बागम बागी नहीं, फंसेगा तो नहीं आपका इंटरनेट। इसके अलावा जो आप देखते हो वो है चैनल विड्थ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वो आपको वाईफाई राउटर सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको देखना है कि वो कितनी है, 10 है, 20 है, 40 है। भैया चैनल विड्थ का मतलब ये है कि आपकी जो वाईफाई वाली पाइपलाइन है वो कितनी मोटी है, मतलब जो आपकी फ़ाइबर केबल है। भैया जितनी आपकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि आपकी अगर चैनल विड्थ ज़्यादा होगी तो आपके जो बगल वाली साइड है या फिर आपका बगल वाला कोई राउटर है वहाँ से आपको इंटरफेरेंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भैया ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको चैनल विड्थ कितनी रखनी है। तो भैया इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, भैया अगर हो गया राउटर पुराना तो भैया प्लीज़ उसको चेंज करवा लीजिए। और आपको एक मुफ्त की सलाह और देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई मुफ्त में भी अपना पुराना राउटर दे रहा होगा तो भैया मत खरीदिएगा, क्योंकि एक आदमी हमेशा अपनी चीज़ दुखी होके ही बेचता है, चाहे वो कितने ही बड़े कर्ज में क्यों ना हो। प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप जाते हो यूट्यूब पे, वहाँ लिखते हो www.youtube.com तो आप देखेंगे कि वो लोड होने में कितना ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन एक बार वो खुल गया तो वो एकदम टॉप स्पीड पर चलेगी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप यूज़ करो एक दूसरा DNS, मतलब कि डोमेन नेम सर्वर जो है आप गूगल का पब्लिक DNS जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जाते हो राउटर की सेटिंग्स में तो आप उसको वहीं से कर दो चेंज, ताकि आपको वाईफाई की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी मिले। तो इसके बाद अगर आप कोई भी एक वेबसाइट खोलते हो तो आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट खुलेगी एज़ कम्पेयर टू आपकी पुरानी जो परफॉर्मेंस चल रही थी। फिलहाल मेरे वाईफाई की स्पीड तो इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन मेरे पास है एयरटेल जो कि वाईफाई की स्पीड से भी काफ़ी अच्छी स्पीड देता है मोबाइल डेटा पे। तो बस फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और सोशल मीडिया साइट पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि कल से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वीडियोस चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।